क्या कर रही है मैडम आप? कपड़ा खंगा रही हैं। कपड़ा खंगा रही हैं? कहाँ से पानी ला रही हैं? थोड़ा सा दाढ़ी है, उससे निकाल निकाल के। दाढ़ी किसको बोलते हैं? डोभा जैसा है, थोड़ा गड्ढा। डोभा जैसा? कितना ये गड्ढा होगा? ज्यादा नहीं। अच्छा, शर्मा रही है थोड़ा। हम खुद अपने आप से देखते हैं कि कितना होता है। हम अपने सहयोगी से बोलेंगे कि ये गड्ढा को दिखाएं, और इसमें पानी अपने आप आता है अंदर से। शायद ये गड्ढा कमर भर होगा। और इनसे जानते हैं, थोड़ा बताइए आप, ये पानी साफ आता है क्या? हाँ, साफ आता है। कहाँ से साफ आता है? कहाँ से पानी आता है? नीचे है गड्ढा 4-5। अब मेरा जूता मत भून जाइए। और आप बताइए पहले कि पानी पीने के लिए भी पीते भी? हाँ, है पानी? हाँ, पानी पीते भी हैं। और क्या क्या करते हैं पानी से? कपड़ा भी धोते हैं, पानी पीते हैं। कपड़ा इसी पानी से धोते हैं? हाँ। इसमें पानी आ जाता है? हाँ, आ जाता है। तो वो उस पानी से वो महिला क्या कर रही है? बर्तन तो ये कपड़ा भी वहाँ पर भी धोते हैं कपड़ा। अच्छा, वहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा हम लोग के तरफ रांची में अगर ऐसा में पैर भी चला जाए तो पैर जाके साफ पानी से धोते हैं, मिनरल वाटर से। और ये महिला यहाँ पे उसी पानी में कपड़ा धो रही हैं। क्या बोलेंगी? पानी नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ता है, इसी से धोते हैं। इसीलिए पूरा नाली है एक तरह से। हम लोग के जैसे रांची में जाएं या फिर कहीं भी जाएं तो शहर में इसमें पैर भी पड़ जाता है तो आदमी धोने जाता है पैर। तो यहाँ पानी नहीं है तो हम लोग इसी से नहाते हैं, कपड़ा भी यहीं से धोते हैं। कितना बड़ा ही गांव है? बहुत एरिया है यहाँ। बहुत बड़ा एरिया है? हाँ। तो मतलब इतना बड़ा गांव का सारे आदमी यहाँ पे आके करते हैं का? सारे नहीं, आधा से आधा यहीं आते हैं। आधा से आधा? तो बाकी लोग कहाँ जाते हैं? बाकी लोग यानी कि और भी है जगह ऐसे ही, तो वो इधर जाते हैं। देखिए ये पानी, देखिए, क्या आप इस पानी में कपड़ा धो सकते हैं क्या? नहा सकते हैं क्या? और इस महिला ने, और महिला क्या, यह पूरा गांव यहां पे कपड़ा धोता है और पानी भी यहीं से पीता है। और एक हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा स्मार्ट लग रहे हैं क्या भैया? इतना स्मार्ट होने का क्या राजा, ये पानी पी के स्मार्ट हो गए क्या? हाँ, यहाँ का पानी जो है ना वो स्मार्ट के लायक है ये। अच्छा। आप देखिए पानी को क्या ये पानी, और कहाँ वो भी गड्ढा है वहाँ से भी पानी लेते हैं? नहीं, वो वहाँ से नहीं लेते हैं, ये जो है ना यहीं से पानी यूज होता है। तो ये कितना बड़ा गांव है कि आप लोग यहाँ इतना ही पानी में हो जाता है? नहीं, ये गांव है लगभग आपका यहाँ 150 मकान हो गए है, वहाँ का आदमी लोग सारे लोग यहीं आते हैं। अच्छा। और कुछ टाइम बांधा हुआ रहता है क्योंकि महिलाएँ आते हैं, फिर जेंट्स रहते हैं तो दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम अलग अलग है। सुबह का टाइम है कि ये महिला लोग आते हैं कुछ, इससे नेक्स्ट टाइम होते हैं कि जेंट्स लोग आते हैं, मतलब सबका टाइम बांटा हुआ है। मतलब झारखंड के जो रांची है, जो राजधानी है, उससे बस 10 किलोमीटर दूर एक पिठोरिया चौक है, जहाँ आप देखेंगे पिठोरिया चौक है, वहाँ से आप जब राइट लीजिएगा तो राइट लेने के बाद ये गाँव आता है। ये एक तरह आप मेरे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पूरा गांव ही गांव बसा हुआ है पहाड़ों में, पूरा पहाड़ों में। ये आप घूमने वाला भी जगह एक तरह से आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आके घूम सकते हैं, नज़ारा ले सकते हैं। आप तो अपने बोतल में पानी लेकर आइएगा, मिनरल वाटर लेकर आइएगा, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं ये मिनरल वाटर पता ही नहीं है क्या होता है मिनरल वाटर। तो और भी हम लोगों से जानेंगे और यहाँ के क्या सरपंच लोग और ये सब पंचायत चुनाव जो अभी आ रहा है तो मुखिया लोग क्या कर रहे हैं, और भी हम लोगों से जानेंगे कि क्या है उनकी समस्या। बस अभी सबसे पहले मैं आपको पानी दिखाया हूँ, और भी यहाँ पे तो पानी का ही तो दिक्कत नहीं है अकेले बस, और रोड है, शौचालय है, बहुत चीज़ है। आइए वो सब चीज़ भी आपको दिखाते हैं। देखिए यह है गाँव, यहाँ का ये सड़कें आप देखिए, पहले ये सड़क है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सड़क है अगर आप यहाँ पे आइएगा तो। यहाँ के कुछ लोग हैं, एक दादा हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे थोड़ा जानते हैं। दादा ये सड़क है क्या? अभी तो हम लोग के लिए रोड ही है, लेकिन अब रोड तो बना है नहीं, लेकिन इसी में हम लोग जीवन बसर अपना कर रहे हैं। और ये रोड जो है आपका 7 गाँव से जुड़ता है। अच्छा। 7 गाँव से जुड़ता है, लेकिन आज तक यहाँ पर हम लोग विधायक और सांसद जो रामलाल चौधरी
थे ना उस समय से यहाँ लगल है रोड बनाने के लिए, लेकिन ये लोग कोई आज तक यहाँ ध्यान नहीं दिया। ये लोग केवल जात पात भेदभाव में हम लोग को रखा है, और आज तक ये लोग रोड बनाने का मकसद में कोई काम नहीं किया है, विकास के नाम में कोई काम नहीं किया है। 22 साल हो गया, 22 साल में अभी तक सब लगा हुआ ही है गांव बना रोड बनाने में। आज तक 22 साल में कहीं पर रोड का कोई विकास का काम नहीं हुआ। कौन थे अभी मुखिया? अभी के मुखिया हम लोग के रामकिशोर मुंडा हैं। अच्छा। और उनके कार्यकाल में हम लोग बोले तो बोल रहा है कि लॉकडाउन है, कोरोना है, इस वजह से वो बोल रहा है कि नहीं काम हो पाया। जिला परिषद कौन थे? अनिल टाइगर। देखिए टाइगर उनका नाम है, अनिल टाइगर नाम रख दिए, लेकिन टाइगर रखने से टाइगर आप नहीं हो जाइएगा। यहाँ के रोड आप बनाइए तब आप टाइगर कहलाइएगा। ये लोग का गांव का इनका दिल अगर बोलेगा कि आप टाइगर हैं तब आप टाइगर कहिएगा, ऐसे नाम रखने से टाइगर नहीं हो जाता। तो क्या आपको लगता है कि नाम रखने से वो टाइगर हो गए? नहीं, नाम रखने से टाइगर नहीं रह गया, वो रह गया लुटेरा। लुटेरा टाइगर है, शेर का बच्चा है जो कि दूसरे का लूट के उखाड़ आर सुतल है अपना घर में। देखिए ये, हाँ तो और आपको अभी और नज़ारा दिखाने वाले हैं हम लोग, आप बने रहे हमारे साथ। और देखिए यहाँ पे ये नाली के लिए खोदा गया था, जेसीबी से पता नहीं क्या चीज़ से खोदा गया था, बस इतना ही दूर खोदा गया। शायद एक दिन भी अगर खोदा जाए तो इतना दूर एक घंटा भी अगर खोदा जाए तो इतना नहीं खोदाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा ही खोदाएगा। और देखिए एक चापाकल मेरे सामने दिख रहा है, यहाँ का पानी अभी हम लोग पिए, वो कुआं से भी छोटा चीज़ होता है, पता नहीं नाम भूल गए हैं, लेकिन उसका पानी पिए, डाड़ी का पानी पिए, पानी मीठा था। अगर सोचिए ये चापाकल ठीक रहता तो कितना अच्छा यहाँ पे मीठा पानी आता। और देखिए ये चापाकल आप देख सकते हैं कि कैसे बनाकर छोड़ दिया गया है, और ये है कि पूरा टूट गया है। और ये आप रोड तो देख ही रहे हैं, आप यहाँ पर ऑटो रिक्शा आ रहा है लेकिन रोड बहुत ख़राब है। ये गाँव आप भी आके घूमिए एक बार देखिए, और हमारे मीडिया लोग से हम आग्रह करेंगे कि इस गांव का थोड़ा विकास के लिए आप लोग एक पहल कीजिए। और भी अब लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। एक दादी वादी दिख रही हैं हमको, थोड़ा उनसे जानेंगे कि क्या दिक्कत है उनको। देखिए हमारे साथ एक गांव की औरत हैं, क्या नाम है तेरी आपका? मानती। कितना दिन से यहाँ पे? शुरू से रह रही यहाँ पे, शुरू से देखते आ रही होंगी इस गाँव को? हाँ तो बहुत पहले से हैं, करीब पहले तो मेरा वहाँ घर था डीह में, लेकिन अभी इधर जंगल तरफ आए हैं और देख रहे थे कि यहाँ कोई आने जाने का साधन नहीं था और अभी भी नहीं है। कहाँ से आप पानी वानी लाने जाते हैं? पहले तो हम क्या बोलते हैं, नाला था उसको चूँ कोड़ के वहीं से कपड़ा से कपड़ छाना करके पानी लाते थे, और अपना बाल बच्चा सब इसी से ही करते थे। कुआँ डाड़ी होता है, अपने से गड्ढा खोद के पानी के छींट के और साफ पानी निकलता था, वो पानी को यूज करते थे। अच्छा, ये कितना गड्ढा किया जाता है उसमें? कितना गड्ढा? बस 4-5। 4 फुट में पानी आ जाता है? हाँ तो उसमें पानी आता था, बलुआ ही माटी था। अच्छा, यहाँ के आपके क्या बच्चा उच्चा है आपकी? हाँ मेरा। कहाँ पढ़ने कहाँ जाते हैं वो लोग? पिठोरिया जाते थे। यहाँ से पिठोरिया सब जाता है पढ़ने? हाँ। बस वस आता है या फिर पैदल? नहीं पैदल। पैदल जाते हैं? हाँ, पैदल। शिक्षा व्यवस्था वहाँ का कैसा है? क्या करेंगे, वही सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट में नहीं पढ़ा रहे? क्या करेंगे, रहेगा कुछ पैसा वैसा कमाई धमाई? क्या कमाई का यहाँ पे क्या साधन है? क्या साधन है, वही रेजाकुली काम करते हैं और क्या करेंगे। खेती वेती तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि होता होगा? होता है तो बरसात में होता है, अभी पानी नहीं है तो क्या करेंगे। पानी के लिए बोरिंग वोरिंग कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, अब हमारे साथ एक बच्चा है, छोटा बच्चा, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? रवि कांत रो। कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पे है स्कूल? नवाडी। यहाँ से नवाडी जाते हो, कैसे जाते हो? पैदल। पैदल, और कहाँ तक यहाँ से? कितना पूरा स्कूल तक पैदल जाते हो या फिर कहीं से बस पकड़ते हो? साइकिल से, बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, वहाँ पे कैसा मास्टर लोग कैसे पढ़ाता है? अच्छा पढ़ाता है। किस क्लास में हो? 5। 5 में, 5 में है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका क्या नाम बताया? रवि कांत नाम है इसका। और ये यहाँ से अभी से संघर्ष पे, मतलब हम लोग तो बाद में संघर्ष किए 10th 11th 12th के बाद, और ये बच्चा अभी से ही संघर्ष कर रहा है। क्या बनोगे अभी? समाज सेवा बनेंगे। समाज सेवा करोगे? Yes. और क्या रोड बनाओगे उस समय? यस।
आने जाने में दिक्कत है। मतलब देखिए, बच्चा को पता है कि आने जाने में दिक्कत है, लेकिन यहाँ के जो मुखिया जो बनते हैं उनको पता नहीं है कि यहाँ पे आने जाने में दिक्कत है। मतलब मुखिया यहाँ पे आ ही नहीं है तो पता कहाँ चलेगा। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए अब बने रहें हमारे साथ, जीएन भारत के साथ, धन्यवाद। गाँव को देखा और हमने जिला परिषद जो टाइगर वहाँ के जो हैं वो टाइगर से हम लोग मिलने के लिए उनके गांव पहुंचे, लेकिन वो टाइगर वो गांव में नहीं मिले। शायद वो कहीं जंगल में छिप गए होंगे या फिर काम नहीं किया, तो ज़रूरी है कि वो छिपेंगे ही। तो वहीं गांव में हम लोग को प्रत्याशी एक मिल गए, जो प्रत्याशी से हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो अब क्या करेंगी इस गाँव के लिए। हम उनके घर में, जैसे कि आप देख सकते हैं उनका ये घर, और शायद प्रत्याशी जो हैं जो खड़ी हैं वो अंदर है। तो आप खड़ा हो रही हैं इस बार? जी। क्या चीज़ से खड़ा हो रही है? जिला परिषद। जिला परिषद से आप खड़ा हो रही है? उस गांव में अभी हम लोग गए थे, वहाँ गांव का स्थिति इतना दयनीय है कि हम लोग को रोना आ गया है वहाँ की बेटी और माँ को देख के। ठीक है कि जहाँ से सर में घैला बाल्टी सब चीज़ लेके जा रही हैं बेचारी पानी बहुत दूर से लाने। तो आप क्या इस बार जीतिएगा तो क्या कीजिएगा, उन लोगों को कैसे सुकून मिलेगा? पूरा जितना भी दिक्कत है वो मैं करने की कोशिश करूँगी। पानी का सुविधा है, ये सब मैं करूँगी। देख के मुझे भी बहुत ख़राब लगा है। तो क्या इससे पहले जो जिला परिषद थे अपना नाम क्या टाइगर लगा दिए, क्या अभी कुछ वैसा लगाई हैं क्या? नहीं वैसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो वो मतलब अपने मन से टाइगर लगा दिए थे। वैसे उनका नाम असली में क्या था? अनिल। अनिल क्या है पता नहीं उनका, उनका अनिल महतो नाम था, लेकिन वो अपना नाम के आगे टाइगर लगा दिए। तो टाइगर लगाने से वो टाइगर आप नहीं बन जाइएगा अनिल जी, आपको काम करना पड़ेगा। और काम जब तक से आप नहीं कीजिएगा आप टाइगर नहीं आप नाम लगा सकते अपने आप नाम के आगे। और वहीं आप प्रत्याशी से इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि और ये क्या और क्या क्या करेंगे। शौचालय वहाँ पे, शौचालय भी नहीं है क्या? आप शौचालय भी, नाली भी नहीं है, नाली, रोड, बिजली, ये सब मैं करूँगी। वहाँ के लोगों को बस तीन ही चार चीज़ मांग है। वहाँ के लोगों को घर भी नहीं मांग रहे, वो बोल रहे हैं कि हमको घर भी नहीं चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना कुछ चाहिए हम लोग को, बस हम लोग को पानी, बिजली, रोड, बस तीन चीज़ चाहिए हम लोग को। तीन चीज़ हमको दे दीजिए जी। तीनों चीज़ करने की कोशिश करूँगी। तीनों चीज़ आप देंगे प्रॉपरली? जी जी जी। अच्छा, तो तीन चीज़ देने के बाद भी अब अपने तरफ से क्या और देंगी? वो तो यही तो उनका मांग है अपने तरफ से क्या देंगे? जितना सरकारी फंड है वो सब मैं दिलाने की कोशिश करूंगी। मतलब आप सब झोंक देंगी वहाँ पे? जी 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 जी, पूरा सरकारी फंड झोंक देंगे? जी, जी। सब कोई बोलता है कि झोंक देंगे, नहीं नहीं मैं करके दिखाऊंगी। हम कैसे मानेंगे आप कीजिएगा? कैसे सारे लोग बोलते हैं, इस हम अकेले नहीं बोल, सारे लोग बोलते हैं, आप भी नहीं बोल रही, आप भी शायद बदल सकती हैं। हम मतलब ऐसा अनुमान लगाएंगे, लेकिन मुझ में विश्वास करना पड़ेगा लोगों को। आप गांव, इसी गांव में रहती हैं, इसी गांव को देखती हैं कि ये गांव शुरू से आप देख रही हैं। आप भी शायद, आप भी शायद चूहिया से पानी लेकर आई होंगी। जी जी जी, मैं भी लाई हूँ, मैं भी समझती हूँ, मैं भी गाँव की हूँ, उन सब का दर्द को मैं भी समझती हूँ, इसीलिए मैं करके दिखाऊंगी। चलिए, आपका क्या नाम है? हिना परवीन। तो आपने सुना कि हमने हिना परवीन से बात किया जो ये जिला परिषद के लिए खड़ा हो रही हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।